सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल बटन पे भी क्लिक करिए ताकि अगली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले आए। आप सभी का स्वागत है डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन की एक फ्रेश वीडियो में। अगर आपने कभी ध्यान से डिफरेंट कंट्रीज की नेवी की यूनिफॉर्म ऑब्जर्व की हो तो आप पाएंगे कि लगभग सभी कंट्री की नेवी की यूनिफॉर्म का कलर व्हाइट है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सेम कंट्रीज की आर्मी या एयरफोर्स की यूनिफॉर्म कंपेयर करें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर क्या है ऐसा व्हाइट कलर में जिसके कारण आज लगभग सभी मेजर कंट्रीज की नेवी यूनिफॉर्म व्हाइट कलर की है? तो आज हम देखने वाले हैं 10 ऐसे कारण जो आपको ये बताने के लिए काफी होंगे कि नेवी यूनिफॉर्म व्हाइट कलर की क्यों होती है। मैं डायरेक्टली आपको वो सारे 10 रीजंस बताऊं, उससे पहले अच्छा होगा कि आप कुछ चीजें व्हाइट कलर के बारे में जान लें। अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी फील्ड से हैं तो आप जानते ही होंगे कि प्रोग्रामिंग में किसी भी कलर को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं और उनमें से एक तरीका है कलर को आरबीजी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब जिन भी लोगों ने ये आरबीजी टर्म पहली बार सुना है तो उनको मैं बता दूं कि आरबीजी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लू एंड ग्रीन। दरअसल हम इन तीन कलर्स दैट इज रेड ब्लू एंड ग्रीन की मदद से कोई भी कलर बना सकते हैं। इन कलर्स को प्रॉपर रेशियो में मिक्स करने से हम कोई भी कलर बना सकते हैं। इनफैक्ट व्हाइट कलर जो है वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है एंड इन 7 कलर्स में भी 3 मेन कलर हैं जिनकी मदद से बाकी के 4 कलर क्रिएट होते हैं एंड फाइनली 7 कलर्स के कॉम्बिनेशन से व्हाइट कलर क्रिएट होता है। अब मैं आपको व्हाइट कलर से रिलेटेड और टेक्निकल ज्ञान देके इस वीडियो को कॉम्प्लेक्स बनाऊं, उससे पहले हम वो 10 रीजंस देख लेते हैं जिसके कारण इंटरनेशनली नेवी यूनिफॉर्म व्हाइट कलर की होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रीजन। द कलर ऑफ द फर्स्ट एवर क्लोथ्स वॉर्न वॉज व्हाइट ओनली। पुराने दिनों में कपड़ों को बनाने के लिए कॉटन मटेरियल सबसे ज्यादा यूज किया जाता था और जैसा कि आप सभी जानते हो कि कॉटन व्हाइट कलर का होता है, इसलिए उससे बनने वाले कपड़े भी व्हाइट कलर के होते थे। और हाँ, उस टाइम पे कपड़ों को डाई करने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। अब बात करते हैं सेकेंड रीजन की। व्हाइट इज अ सिंबल ऑफ पीस। पहले के टाइम पे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए लोग शिप में ट्रेवल करके डिफरेंट कंट्रीज जाते थे और क्योंकि व्हाइट कलर को पीस के साथ सिंबलाइज किया जाता है, इसलिए वो लोग व्हाइट क्लोथ्स पहनने लगे और इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया डिफरेंट कंट्रीज की नेवी ने। थर्ड रीजन है, व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट एंड कीप्स यू कूल। आपने डेफिनेटली साइंस टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि डार्क कलर्स हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू लाइट कलर्स, और इस तरह से व्हाइट कलर हीट को कम एब्जॉर्ब करेगा और आपको कूल रखेगा। फोर्थ रीजन है, व्हाइट कलर हेल्प्स टू कीप द डॉक्टर अवे फ्रॉम यू। शिप में अगर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसी चीज को दी जाती है तो वो है हाइजीन एंड गुड हेल्थ। अब क्योंकि व्हाइट कलर पे डर्ट का आसानी से पता लगाया जा सकता है, इस वजह से शिप में मौजूद सभी लोग क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे और इसके कारण सभी की हेल्थ अच्छी रहेगी। फिफ्थ रीजन है, व्हाइट कलर इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द 7 सीज। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि व्हाइट कलर 7 डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन है, तो उसी तरह से व्हाइट यूनिफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ 7 सीज को दर्शाती है। सिक्स्थ रीजन है, व्हाइट कलर इज मोर विजिबल इवन ऑन लो लाइट्स और इन डार्कनेस। शिप में पावर फेलियर या ब्लैकआउट होना आम बात है और ऐसी सिचुएशन में व्हाइट यूनिफॉर्म में किसी को भी आइडेंटिफाई करना काफी आसान हो जाता है। सेवंथ रीजन है, व्हाइट कलर लुक ग्रेट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि व्हाइट यूनिफॉर्म दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है। वैसे आपको किसकी यूनिफॉर्म सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स की या फिर इंडियन नेवी की? आप अपनी चॉइस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो एंड मेरे को आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। एट्थ रीजन है, व्हाइट यूनिफॉर्म इज नॉट कॉस्टली। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पास्ट में क्लोथ्स कॉटन के बनते थे एंड कॉटन बाकी मटेरियल जैसे सिल्क एंड वूल से सस्ता है, तो इस तरह कॉटन से बनी व्हाइट यूनिफॉर्म ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है। नाइन्थ रीजन है, व्हाइट कलर इज एसोसिएटेड विद कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। आज भी काफी सारे ट्रेडिशनल ओकेशंस में व्हाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर कंट्री की नेवी की यूनिफॉर्म व्हाइट कलर की है। टेंथ एंड लास्ट रीजन है, व्हाइट कलर रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी। पर अगर हम व्हाइट कलर से रिलेटेड ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करें तो व्हाइट कलर एसोसिएटेड होता है पीस एंड फीलिंग ऑफ इनोसेंस से, और साथ ही व्हाइट कलर लोनलीनेस की फीलिंग को दूर करता है। तो ये थे ऐसे 10 कारण जिसके वजह से वर्ल्ड वाइड नेवी की यूनिफॉर्म व्हाइट कलर की होती है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इंस्टाग्राम पे हमें यानी डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ अपडेट या एग्जाम नोटिफिकेशन मिस ना हो। जय हिंद।